बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन एंड टिप्स में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ एक स्टिक से जूते रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र। इसके लिए मुझे एक स्टिक चाहिए और एक दुपट्टा मेरा पुराना पड़ा हुआ था, मैं उससे आपको ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें, मैं इसको ना फोल्ड करती हूँ। ये देखिए, दुपट्टा नहीं लिया मैंने पुराना अपना। दुपट्टे को जो है ना इस तरह फोल्ड करना है। दुपट्टे को ना इस तरह डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इसको ना इस तरह जो साइड है ना ये देखिए, इस तरह दुपट्टे को तह लगा के रख लिया है। जिन बहनों के पास हैंकर नहीं होते वो परेशान ना, वो एक स्टिक ले लें, घर में कोई भी स्टिक पड़ी होती है जो वो ले लें, और ना इसके ऊपर इस तरह से ना ये लगा दे शीट कोई। ये देखें, ये मैंने ग्लू से लगा रही हूँ। ये गिफ्ट पेपर जो होता है वो लगा लें, कोई और चीज़ पड़ी हो आप, टेप पड़ी होती है चमकीली वो लगा लें। हैंकर पड़ा तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं, अगर नहीं हो तो फिर परेशान ना हो, आप स्टिक के ऊपर भी इस तरह से बना सकते हैं। ये सारी स्टिक को मैं इसे रैप कर लूंगी। पुराने गिफ्ट पेपर भी बचे हैं वो भी आप पर रैप कर सकते हैं, कोई और चीज़ हो वो भी रैप कर सकते हैं ऊपर। मेरे पास स्टिक पड़ी थी और हैंकर भी था मेरे पास स्टिक के साथ है। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि किसी के पास हैंकर होते हैं, किसी के पास नहीं होते तो वो परेशान ना, वो स्टिक से भी ये काम ले सकते हैं हैंकर वाला। ये देखिए, सारी मैंने रैप कर ली है। ये देखिए, ये स्टिक लेके ना इस तरह से हमने ना इसमें उसे गुजार देनी है कपड़े में से, ये इस तरह से। धागा ले लेने है आपने या कोई डोरी ले लेनी है, उसको ना इसके साथ बांध देना है। ये देखिए, इसके साथ इस तरह से धागा बांध देंगे इधर से भी, नॉट लगा देंगे बांधने के बाद। यहाँ से भी एक नोट लगा देंगे दरमियान में से, ये देखें इस तरह से आधा आधा कर लेंगे धागे को, ये इस तरह से। ये कोई धागा, कोई डोरी, आप जो भी चीज़ हो आपके पास, मैंने धागे के तीन चार जो है ना वो तह लगा के फिर उसको लगा दिया इधर। ये देखिए, अब ना दरमियान में से नॉट लगा देंगे इसको हैंग करने के लिए यहाँ से।
से ना स्टिच कर देंगे इसको। आपके पास सिलाई मशीन हो उसके साथ भी आप कर सकती हैं, सुई धागे के साथ भी आप इसको स्टिच इस तरह कर सकती हैं। बिल्कुल स्टिक के साथ साथ आपने ना इसको टांके लगा देने हैं इस तरह से। ये देखिए अब इसकी जो एक ऊपर वाली तह है ना, इसको हमने ऊपर कर देना है इस तरह। ये वाली तह ऊपर कर दी है एक तह, और इसमें ना अब हम स्केल की मदद से ना निशान लगा देंगे। जितने जितने हमने ना जूते रखने के लिए जगह वो रखनी है ना, यहाँ से निशान लगा लेंगे और फिर इसको ना स्टिच कर देंगे सुई के साथ। ये देखिए इस तरह से ना इतनी इतनी जगह पर अगर जूते रखने हैं तो इतनी जगह पर ना निशान लगा देंगे। ये भी यहाँ पर लगा देंगे। ये किधर लगा देंगे, यहाँ से निशान लगाया था ना, अभी इसको स्टिच कर लेंगे। नीचे वाला जो हिस्सा था उसको भी मैं सिलाई कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मोड़ के ना उसको सिलाई लगा रही हूँ।
ये देखिए जी, हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है। मैंने ये देखिए लगा दिया इधर ये धागे के साथ। ये देखिए अब मैं इसमें ना जूते रखती हूँ, फिर आपसे तो दिखाती हूँ। ये देखिए शापर में मैंने जूते रख लिए, अब इसमें मैं डालती हूँ पॉकेट्स जो बनाई है ना उसमें। ये देखिए दूसरी पॉकेट में ये डालेंगे अपने जूते, मैंने शैपर में रखे हैं निकाल के। ये देखिए हमें इसमें डालेंगे, अब ये वाला जो पीछे हमने एक इसका पार्ट किया था ना, एक डबल किया था, अब ये जो हमने जूते इसमें रख दिए हैं, अब ये वाला हिस्सा जो है ना पीछे से निकाल के अब इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए खूबसूरत भी लगेगा और मिट्टी भी नहीं पड़ेगी। और ये देखिए खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो चुका है जूते रखने के लिए। बगैर हैंगर के आप स्टिक्स की मदद से ये बना सकते हैं, स्टिक्स तो हर घर में होती हैं, तो आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।